नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो यूपी के रहने वाले हैं और इस साल बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है कि इस साल नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन के लिए केवल एक ही फॉर्म को फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल एक ही फॉर्म फिल करना है और उसी के बेस पर उत्तर प्रदेश के लगभग सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब आपको अलग अलग नर्सिंग यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगभग सभी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो नीचे आने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए जो फॉर्म की डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। सिंपली आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए बीएससी नर्सिंग जो कि 4 साल का कोर्स होता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि 2 साल का कोर्स है और एमएससी नर्सिंग जो कि 2 साल का कोर्स है, इसके लिए यहाँ पे फॉर्म आ चुका है। इसका यहाँ पे ब्रोशर और रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सपोज अगर आपको बीएससी नर्सिंग के कोर्स में फॉर्म अप्लाई करना है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ब्रोशर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पर हम क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2023-24 का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ पे डाउनलोड कर लिया गया है और इसमें सबसे पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट दिया गया है। सबसे ऊपर है एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और वो 15 अप्रैल 2023 को ही रिलीज कर दिया गया है, यानी कि अब फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप जा करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 18 मई 2023। एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल हो जाएगा जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल होगा 25 मई 2023 तक। और बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 4 जून 2023 को होगा। आगे आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आपका एग्ज़ाम सेंटर, ये आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा और जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है जो उसका रिजल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, नीचे ईमेल आईडी है, उसके बाद हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, 10 से लेकर के 6 के बीच में ही आप यहाँ पर कॉल कीजिएगा। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा रहा है, इसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑल नर्सिंग कॉलेजेस अफिलिएटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हों या फिर प्राइवेट, उन सभी में जो एडमिशन होगा वो इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा। अगला आप देख सकते हैं SGPGIMS यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी लखनऊ में ही है। यहाँ पे भी जो बीएससी नर्सिंग या फिर बाकी के जो नर्सिंग के कोर्स हैं उसमें जो एडमिशन होगा वो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही होने वाला है। अगला आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम है KGMU लखनऊ यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। और दोस्तों, शायद आपको याद हो लास्ट ईयर KGMU ही ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था जो अभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रहा है। आगे आप देख सकते हैं RMLIMS लखनऊ यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी लखनऊ में है। इसमें भी जो एडमिशन होगा वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ही जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है उसी के द्वारा ही इसमें एडमिशन होगा। आगे आप देख सकते हैं UPUMS सफाई यानी कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि सफाई इटावा में है, इसमें भी जो एडमिशन होगा इसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे होगा। और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं
वहाँ पे भी एडमिशन लगभग इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होने वाला है। तो आप सभी के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, उत्तर प्रदेश में जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही फॉर्म फिल करने से। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग के कोर्स में जो एडमिशन होने वाला है 2023-24 में वो केवल कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा। आगे आप देख सकते हैं सेंटर्स के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो टोटल 19 सेंटर हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें हैं आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोरखपुर से लेकर के वाराणसी तक। ये जितने भी शहर हैं यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का सेंटर बनेगा। अब आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, यानी कि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। और आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा, इसका कोई भी ऑफलाइन मोड में फॉर्म नहीं भरा जा रहा। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। सो मेक श्योर जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हों तो आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और दोस्तों आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस को लेकर के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फॉर्म की फ़ीस है वो है 3,000 रुपये, और बाकी के जो कैटेगरी हैं जैसे कि एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी, उनके लिए जो फॉर्म की फ़ीस है वो है 2,000 रुपये। और दोस्तों आगे आप देख सकते हैं ये जो फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो इसका रिफ़ंड नहीं होता है। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले एज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, यानी कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपका 31 दिसंबर 2023 तक कम से कम 17 साल उम्र होना चाहिए। इसको कैसे चेक करना है चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एज कैलकुलेटर ओपन कर लेना है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करेंगे। तो मेरे कंडीशन में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 2005, तो मैं सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 2 अक्टूबर 2005। तो मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटर टूडेज डेट, तो यहाँ पर आपको 31 दिसंबर 2023 यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 31 दिसंबर 2023 सेलेक्ट कर लिया है, बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है। और इसके बाद कैलकुलेट एज पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो मेरे कंडीशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 18 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर कम से कम 17 साल आपका एज दिखाना चाहिए। अगर आपका एज यहाँ पर 17 साल से कम दिखा रहा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। अगर आपका उम्र यहाँ पे 17 या उससे ज़्यादा यहाँ पे शो हो रहा है, इसका मतलब है कि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और ये एज कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में लिखा है द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इज 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व, यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या फिर एसटी कैटेगरी के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से हों आप, जो मैक्सिमम एज है वो है 35 ईयर्स ओल्ड। लेकिन अगर वहीं पर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो कि फिजिकल डिसेबिलिटीज से बिलोंग करता है तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 40 साल। तो दोस्तों आई होप एज से रिलेटेड जो आपके मन में डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट में ही लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट में। और इसके साथ ही साथ आपका इंटरमीडिएट में इंग्लिश सब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी है। और दोस्तों आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए कम से कम इंटरमीडिएट में 40% मार्क्स, वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। और आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अगर आपने 10+2 किसी ओपन स्कूल से किया है, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से अगर आपने 10+2 किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए।
अगर कोई कैंडिडेट मैरिड है तो वो भी एलिजिबल है। और दोस्तों आप सबको बता दें, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप सबको ज़रूर समझना चाहिए कि यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में। और दोस्तों इस ब्रोशर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि है स्टेप्स फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म किन किन स्टेप में भरा जाएगा, चलिए इसको भी एक शॉर्ट में देख लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के समय आपसे आपका फर्स्ट नेम, जो कि आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है, उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कैटेगरी और सब कैटेगरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे रजिस्ट्रेशन के समय पूछा जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना है और फीस पेमेंट करनी है। जैसे ही आप फीस पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपका पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा, इसके साथ ही साथ आपका वहाँ पे एड्रेस पूछा जाएगा, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और जैसे ही आप ये सब फिल कर लेंगे, इसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सभी यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर से रिलेटेड यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है कि फ़ोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, कितना उसका साइज़ होना चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आई होप आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 से रिलेटेड आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी के जवाब वहां पर दे दिया जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।